दोस्तों, मादा खरगोश मीटिंग के बाद प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं कैसे पता करें, ऐसा ही काफी कमेंट लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि गाइज, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अगर अपनी मादा खरगोश का ब्रीडिंग करवा चुके हैं और ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, तो आप ये वीडियो देखने के बाद एकदम आसानी से पता कर पाएंगे। गाइज, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी मादा खरगोश मीटिंग के बाद प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके मौर्य और आप देख रहे हैं आरके पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि गाइज, मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूं और आपको हमेशा यहां रैबिट से रिलेटेड कुछ न कुछ नया और जेन्युइन देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मादा खरगोश प्रेग्नेंट है या नहीं ये जानने के वो 5 टिप्स कौन कौन से हैं, आइए नंबर वाइज जान लेते हैं। टिप्स नंबर 1, गाइस, जब आप अपनी मादा खरगोश का ब्रीडिंग करवाने के लिए नर खरगोश को उसके पास रखते हैं और नर खरगोश मादा खरगोश के साथ मीटिंग करता है, लेकिन वो मीटिंग के दौरान पीछे नहीं गिरता है, तब आपको समझ जाना है कि अभी सक्सेसफुल मीटिंग नहीं हुआ है। जैसा कि गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपका नर खरगोश इसी तरीके से नहीं गिरता है तब आपको समझ जाना है कि अभी सक्सेसफुल मीटिंग नहीं हुआ है। और गाइज, अगर नर खरगोश मीटिंग के दौरान पीछे गिर जाता है और आवाजें निकालता है यानी गिरने के साथ चीखता है, तब आपको समझ जाना है कि सक्सेसफुल मीटिंग हो चुका है, जैसा कि गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो जाएगी और तब आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि 10 से 15 दिन बाद आपको साफ पता चलने लगेगा कि अब आपकी मादा खरगोश का पेट फूल रहा है और वो प्रेग्नेंट है। टिप्स नंबर 2, गाइज, अगर आपने अपनी मादा खरगोश का मीटिंग करवा दिया है और 9 से 10 दिन हो गया है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस यानी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है और आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो आप एक बार फिर से नर खरगोश को मादा खरगोश के पास ले जाकर रख दे। अगर मादा खरगोश किसी भी कीमत पर उसे मीटिंग नहीं करने दे रही है और उसको काट रही है और अपने पास से भगा रही है, तब आपको समझ जाना है कि वो प्रेग्नेंट है। और अगर ठीक इसके उल्टा कर रही है कि नर खरगोश जब उसे मीटिंग के लिए फोर्स कर रहा है और वो बैठकर मीटिंग करने दे रही है, तब भी आपको समझ जाना है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। टिप्स नंबर 3, गाइज, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद अगर आप मादा खरगोश को जैसे पहले अपनी गोद में उठाते थे वैसे ही उठाना चाहेंगे तो वो आपको काट सकती है या काट लेगी, या बार बार काट रही है, तब भी आपको पूरी तरह से समझ जाना है कि अब उसके पेट में बच्चे हैं जिसकी सेफ्टी के लिए वो आपको काट रही है और वो प्रेग्नेंट है। टिप्स नंबर 4, गाइज, जब पहले की अपेक्षा आपकी मादा खरगोश मीटिंग के बाद आपको बहुत ज्यादा उछल कूद करते हुए ना दिखे और ज्यादा से ज्यादा पैर लंबे करके सोती हुई नजर आए और पहले जितना खाना खाती थी उससे ज्यादा खाना स्टार्ट कर दे, तब भी आपको 100% समझ जाना है कि अब हमारी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो चुकी है। टिप्स नंबर 5, इस 5वें रीजन को जरा गौर से समझना। गाइज, अगर आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट है तब वो आपको हफ्ते 10 दिन में भी नेस्टिंग करती हुई नजर आ सकती है और जब वो बच्चे देने के करीब होगी तब भी नेस्टिंग कर सकती है, और जब वो आराम से बैठे तब आपको शांति से उसके पेट को देखना है, आपको उसके पेट में हल्की हल्की मूविंग नजर आएगी, जैसा कि गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और प्रेग्नेंट होने पर मादा खरगोश हमेशा जब भी आप उसके पास जाएंगे उसे उठाने की कोशिश करेंगे तब वो आपसे दूर भागकर कहीं भी दुबक कर बैठ जाएगी, और बाकी गाइज वजन करके उसका पेट टच करके जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था आप चेक कर सकते हैं, लेकिन गाइज पेट को टच करने वाला तरीका सेफ नहीं है, इस तरीके से चेक करते समय लगातार खतरा बना रहता है। और गाइज आपको हमेशा अपनी मादा खरगोश का ब्रीडिंग करवा देने के बाद कभी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कम से कम 30 से 32 दिन तक जरूर वेट करना है, नहीं तो आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट है और आप जल्दबाजी में कहीं उसका पेट ना निकले और आप समझे कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और फिर से जबरदस्ती उसका मीटिंग करवाएं पकड़कर, तो ऐसे में भी काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गाइज बहुत सी मादा खरगोश जो एकदम से स्वस्थ होती है, हेल्दी होती है, उनका बच्चे देने तक बहुत ज्यादा पेट वगैरह नहीं फूलता है, और फूलता भी है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से कम नजर आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आप 100% समझ जाएंगे कि आपकी मादा खरगोश मीटिंग के बाद प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। और गाइज रैबिट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं। और गाइज अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं भी दे पाऊँ तो आप डेली रात 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे चैट कर सकते हैं या आप वहाँ मुझसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से जरा भी कुछ नया देखने को और सीखने को मिला हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और गाइज अगर आपका कोई भी डाउट रैबिट से रिलेटेड हो तो आप बिंदास हमें कमेंट जरूर करिए, हो सकता है अगला वीडियो आपके कमेंट पर ही हो। जय हिंद।